हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरी सहेली हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रायता बनाएंगे। ये रायता बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है राख लौकी, जिसे सफ़ेद पेठा के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसे कहते हैं एश गार्ड। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम एश गार्ड लिया है। सबसे पहले तो इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें और इसके बीज अगर होंगे तो उसे निकाल दें। मैं यहाँ पर 250 ग्राम एश गार्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जितना चाहे उतना यूज़ करें। एश गार्ड का हमें सबसे पहले स्किन निकालना होता है, तो उस लिए मैंने इसे लंबे लंबे पीसेस में इसे कट कर लिया है और एक पीलर या फिर चाकू के मदद से इसकी जो स्किन है इसे अच्छी तरह से निकाल लें। एश गार्ड सबसे ज़्यादा वेट लॉस करने में हेल्प करता है। ऐसे कहते हैं कि एश गार्ड का जूस या फिर सूप पीने से बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब निकल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से इसका छिलका जो है उसे उतार लिया है। अब हम इसे मीडियम साइज़ पीसेस में कट करके रख लेंगे। ये सब्ज़ी के फ़ायदे भरपूर है, लेकिन रोज़ रोज़ कोई सूप या फिर जूस पी के एक टाइम के बाद बोर हो ही जाएगा, तो इसलिए ये रायता की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सब्ज़ियों की चॉपिंग हो गई है, अब मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसे मुझे अब प्रेशर कुक करना है। तो 2 सीटी से ज़्यादा प्रेशर कुक ना करें, वरना ये बहुत ही पानी पानी हो जाएगा। इसमें आप चाहे तो आधा कप जितना पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, प्रेशर कुक हो चुका है और हमारी जो सब्ज़ी है ये अच्छी तरह से पक गई है। वैसे तो इसे पकाने के लिए पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे पकाने के बाद ये जो पानी है ना, इसे आप सेपरेट कर लें, यानी कि पानी और सब्ज़ी को अलग कर दें और उस पानी में हल्का सा नमक और काली मिर्च पाउडर ऐड करके सूप के तरह पी सकते हैं। अगर आपको सब्ज़ी का पानी ऐसे ही पीने नहीं पसंद, तो ये देखिए दूसरा आइडिया है। मैंने यहाँ पर दाल पका लिया था, तो ये पानी को मैं दाल के साथ ही मिलाकर दाल को अलग सा बना लूँगी। या फिर आप रोटी का आटा बनाते समय भी इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये पके हुए सब्ज़ी को ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट तक रख देते हैं। फिर हम इसमें नमक मिला लेंगे स्वाद अनुसार। और मैं इसमें तड़का या फिर छौंक लगा रही हूँ, तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तेल, उसमें 2 लाल मिर्च और कुछ करी पत्ता और 1 चुटकी हींग, इन सबको मिला दिया था। और ये जो तड़का है या फिर छौंक, आप जो भी कहते हैं उसे, मैंने डाल दिया है सब्ज़ी के ऊपर। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। या तो आप दही को ऐड करने के बाद तड़का दीजिए, या फिर दही ऐड करने से पहले जैसे मैंने अभी बताया है उस तरह से तड़का लगाइए। दोनों ही तरीके से ये बहुत टेस्टी बनता है। अब मैं यहाँ पर 150 ml दही ऐड करने जा रही हूँ। दही को ऐड करने के बाद एक आखिरी बार अच्छी तरह से मिक्स कर दें और ये रहा हमारा रायता बनके तैयार। रायते को आप चावल के साथ या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।